नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों, हम शहर से गांव भी आए गए हैं और देखिए खेत में आलू भी लगा है, गेहूं भी है बोआ है, कितना अच्छा है। देखिए सरसों भी है गेहूं में और देखिए पाछे हमारे बांस का पेड़ है, कोठी है और इधर भी सरसों है गेहूं है और हम आज सरसों बथुआ का पालक का हरा का सब्जी बनाएंगे। चलते हैं, हम पहले बथुआ खोट लेते हैं। हम एक तगाड़ी ले लेते हैं, ये हम खेत में आ गई है गेहूँ पे। अब हम बथुआ खोट लेते हैं, तो देखिए इसी तरह से बथुआ के खोट लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम बथुआ खोट लेते हैं हरा हरा, इसे हम तगाड़ी में रख लेते हैं। तो देखिए बथुआ हम जरूरत तक अपने खोट लिया है। अब चलते हैं खेत में सरसों खोटी। तो देखिए हम आइए सरसों खेत में, तब हम सरसों उपाल लेते हैं। इसी तरह से हम सरसों उपाल लेते हैं। सरसों हम उपाल लिया है अपने जरूरत तक के। सरसों को हम रख लेते हैं। चलते हैं हम थोड़ा सा पालक लेंगे, तगाड़ी के हम रख देते हैं और पालक के खेत में हम आ गए हैं। पालक हम उपाल लेते हैं थोड़ा सा। जरूरत भर के हम पालक ले लिया है। हम तगाड़ी में रख लेते हैं, अपने जरूरत भर के बथुआ ले लिया है, पालक ले लिया है, सरसों ले लिया है हरा। अब चलते हैं घर पर हम। तो देखिए हम घर पर आ गए हैं। पालक हम निकाल के रख देते हैं सरसों के। तो देखिए अब हम सरसों के इसके हम नरम नरम पत्ती के तोड़ लेते हैं, जो करे डंठा रहता है इसके हम निकाल देते हैं, नरम का भी तोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम सब नोच के रख देते हैं। तो देखिए हम अब सरसों के डंठे तोड़ लिया है करे, इसके हम नरम नरम पत्ती तोड़ लिया है सरसों का और इसके हम रख देते हैं तगाड़ी में। हम पालक के अच्छा से नेर लेते हैं, इसके डंठी हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए हम पालक के अच्छा से इसके बीन के काट के रख लिया। देखिए बाल्टी में हम साफ पानी ले लिया है और सब्जी के हम डाल के धो लेते हैं इसी पानी में। इसके हम अच्छा से धो लिया हूँ और इसी हम छिटवाम डलाई में रख के रख देते हैं, इसका पानी चू जाए अच्छा से। इसी तरह से हम सब सब्जी धो लेते हैं। देखिए सब सब्जी हम धो के रख लिया हूँ डलाई में, इसका पानी अच्छा से सूख जाए तब हम इसके चीरेंगे। तो देखिए पानी अच्छा से सूख गया है इसका,
इसका पानी सूख गया है और इसके हम एक हंसिया ले लिए है और चाकू से कम चीरत बनता है तो इसीलिए हम हंसिया हंसुआ ले लिए है और इसी से हम चीर लेते हैं सब्जी के। इसके हम हंसिया से इसी तरह से सब सब्जी चीर लेते हैं। इसके हम ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, छोटा छोटा हम इसके सब्जी के काटेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सब सब्जी काट लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, छोटा छोटा काटेंगे। देखिए हंसिया से कितना अच्छा कट रहा है सब्जी, और इसी तरह से हंसिया से काटे तो अच्छा रहता है और चाकू से अच्छा नहीं कटता है हरा सब्जी, हंसिया से भी काट जाता है। तो देखिए हम सब सब्जी काट के रख लिया, चूल्हा के हम आ गए हैं, हरा मिर्चा हम ले लिया है और इसके हम काट लेते हैं, तीन मिर्चा हम जला लिए हैं। अब कढ़ाई हम धर देते हैं चूल्हा पर, सरसों तेल हम कढ़ाई में डाल देते हैं, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। सरसों का तेल डाले से स्वाद अच्छा रहता है सब्जी का। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम मिर्चा डाल देते हैं कटा हुआ। क्या हमारा लाल हो गया है, तो देखिए मिर्चा लाल हो गया है, अब हम सब्जी कटी हुई सब्जी के डाल देते हैं। सब सब्जी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो देखिए सब्जी हम थरिया से तोप देते हैं जब उन्हें सब्जी अच्छा से गल जाए। सब्जी हम देख लेते हैं, तो देखिए सब्जी में पानी भी छोड़ दिया है, सब्जी नरम हो गया है। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं सब्जी में। इसके अच्छा से हम चला देते हैं, जी अच्छा चला देते हैं और इसी सब्जी चूल्हा बनाए तो अच्छा रहता है। तो देखिए इसका पानी भी पानी हम इसको सुखाएंगे, पानी भी छोड़ दिया है और इसके पानी हम सुखाएंगे, इसके हम ढाक देते हैं। हमारी सब्जी चूर रही है और इधर हम बजड़ी का आटा ले लिया है, अब इसके हम चाल के रख लिया हूँ, इसके हम सान लेते हैं, इसके हम सानेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए हम गेहूं का आटा दिया नहीं सानेंगे, थोड़ा सूखा भी रखेंगे, तो इसी तरह से हम सान लिया है तो हम थोड़ा थोड़ा फिर सानेंगे कोचा बदे, इसका हम कोचा बनाएंगे। सब्जी हम देख लेते हैं, तो देखिए सब्जी अच्छा से सुखाई गई है और चूर गई है, अब हम सब्जी को उतार लेते हैं चूल्हा पर से। सब्जी हम उतार लेते हैं, धो देते हैं, आटे के हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके हम सान लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसके हम पानी लगा लेते हैं, इसका हम चकाई बनाएंगे पहले, इसके घुमाए घुमाए के। तो देखिए हम पानी लगा लेते हैं, तब इसके हम कोचा बनाएंगे इसी तरह से हाथ से। तो देखिए इसके हम ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे और न ज़्यादा पतला, के मीडियम में बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे, ज़्यादा मोटा न बनाएंगे न ज़्यादा पतला।
देखिए तावा हमारा गरम हो गया है, अब हम कोचा तावा पर धई देते हैं। इसके हम कोचा के उलट देते हैं। अब देखिए इसके धीमी आंच में कोचा पकाएं तो अच्छा रहता है खाने में। उसी तरीके से हम यह कोचा बना लेते हैं, इसका चकाई बना लेते हैं। इसके पानी लगाइए, इसके पानी लगाइए तब इसके बनाए हाथे से। उसी तरीके से हम कोचा यह बना लिया है। तो देखिए कोचा के हम देख लेते हैं, तो देखिए कोचा हमारी उबले हो गया है। अब इसके हम चूल्हा में डाल के सेक लेते हैं, अच्छा से धीमी आंच में दोनों तरफ सेकेंगे कोचा के। अभी कोचा हम तावा पर डाल देते हैं। अब इसके हम बहुत धीमी आंच में कोचा के दोनों ओरी इसके सेकेंगे अच्छा से। धीमी आंच में सेके जब ने जले न कोचा और अंदर से भी अच्छा पक जाए कोचा। तो देखिए एक तरफ कोचा हो गया है, अब दूसरे तरफ हम सेक लेते हैं कोचा। अब इसके तावा पर का कोचा हम पलट देते हैं, इसके पलट देते हैं अच्छा से। चूल्हा में तो पकाएंगे कोचा के, अब इसके हम चारों तरफ पलटते रहेंगे चिवटा से, उलटते रहेंगे इसके चलाते रहेंगे। तो देखिए कोचा हमारे दोनों तरफ से अच्छा से हो गया है। इसके धीमी आंच में पकाएं, इसके गर्दा इसे झाड़ दें अच्छा से। अब इसके हम रख देते हैं चूल्हा के पास में। उसी तरह से हम यह बना लेते हैं। तो देखिए सब हम इसी तरह से कोचा सब बना लिया है। अब इसके हम उतार लेते हैं, देखिए इसी कोचा हो गया है। इसके हम तावा डाल देते हैं, इसके हम चूल्हा में डाल देते हैं। तो देखिए कोचा एक तरफ हमारा हो गया है, इसके धीमी आंच में पकाएं और इसके हम दूसरा तरफ हवा देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा फूला है, इसके हम पलट देते हैं। तो देखिए कोचा हमारा हो गया है दोनों तरफ भवा है। देखिए कितना अच्छा भवा है लाल में। अब इसी तरह से बनाए तो खाने में बहुत अच्छा स्वाद रहता है, इसके हम धाई देते हैं। तो देखिए कोचा हमारा हो गया है अच्छा से हो गया है। इसी तरीके से हम सब कोचा बना के रख लिया है, तीन ठी बनाया है। तो खाने के लिए हम सब्जी निकाल लेते हैं एक प्लेट में, तब हम खाने के लिए निकाल देते हैं एक प्लेट में। देखिए कटोरिया में हम सब्जी निकाल के रख लिया है, दुई मरचा है रख लिया है। देखिए सरसों बथुआ की सब्जी बन के हमारे तैयार हो गया है, और साथ में बजड़ी कोचा भी बनाया है, और हरा मिर्चा दूठी है। इसी तरीके से बनाएंगे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी रहता है ठंडी मौसम में, और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।